दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो देखा जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से आकाशीय बिजली ट्रेन के ऊपर गिर रही है। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने यह जानना चाहा है कि आकाशीय बिजली ट्रेन के ऊपर गिर सकती है कि नहीं, और अगर गिर भी जाए तो ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों को कोई नुकसान होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सी नई चीजें जानने को मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके इसी लाइक से हमें इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, बात करें अगर आकाशीय बिजली की, तो यह वास्तव में बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि इसमें 10 करोड़ वोल्ट और 10,000 एम्पियर की करेंट होती है। अतः इसकी चपेट में आने से शायद ही कोई आज तक बच पाया होगा। तब जरा सोचिए कि अगर इतनी खतरनाक बिजली ट्रेन के ऊपर गिरे तो अंदर बैठे यात्रियों का क्या हाल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ट्रेन के केस में आपको इस आकाशीय बिजली से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने के बाद भी अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों, तो इसे समझने के लिए आपको बिजली के बनने और उसके गिरने की प्रक्रिया को थोड़ा समझना पड़ेगा। दोस्तों, गर्मी के कारण समुद्र का पानी का वाष्पीकरण होता है, साथ ही साथ हवाएं हल्की होती हैं, जिससे वह ऊपर आसमान की ओर जाती हैं और यह ऊपर जाकर ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होने के कारण यह बर्फ के रूप में बदल जाती हैं। दोस्तों, हवाओं के कारण ये बर्फ आपस में टकराते हैं, जिससे इनके बीच पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बन जाता है। यह उसी तरह से होता है जैसे आप कंघी को बाल में रगड़कर किसी कागज के टुकड़े को आपस में चिपकाते हैं, क्योंकि कंघी और कागज के टुकड़ों के बीच में एक प्रकार का पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। उसी तरह से यहाँ पर बर्फों को आपस में टकराने से भी दो प्रकार के चार्ज बनते हैं। दोस्तों, इसी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में टकराने से बिजली चमकती है। इन आवेशों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो कि 10 करोड़ वोल्ट की होती है। दोस्तों, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी खुद को फ्लो कराने के लिए एक मीडियम की तलाश करता है। चूंकि वायु विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए यह बिजली पृथ्वी की ओर आती है और ऊंची चीजें जैसे कि हरे पेड़, बिजली के खंभे आदि से होते हुए जमीन के नीचे चली जाती है, क्योंकि यहाँ इसे अर्थ मिल जाता है, जिससे वह ग्राउंड होकर जमीन के नीचे चली जाएगी। दोस्तों, ट्रेन के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ बिजली गिरते ही वह OHE के पोल से होते हुए ग्राउंड हो जाती है, या फिर ट्रेन के कोच के बॉडी और व्हील से होते हुए ग्राउंड हो जाती है, और अंदर बैठे यात्रियों को कुछ नहीं होता है। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फैराडे केज है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिंजड़े के बाहर हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी से स्पार्क कर रही है, लेकिन इसके अंदर खड़े इंसान को कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि यहां पर हाई वोल्टेज पिंजरे से होते हुए ग्राउंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आकाशीय बिजली और ट्रेन से जुड़ी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को इसकी जानकारी हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।